तो दिस इज डोरमेंट पीरियड इज देयर फॉर द सीड्स, ठीक है। सीड्स का डोरमेंट पीरियड का मतलब क्या होता है, ये कुछ समय के लिए ये रेस्टिंग फेज पे चला जाता है एज वी सो इट इन द सॉइल, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर चेंजेस आनी है, एम्ब्रियो के अंदर पहले सेलुलर चेंजेस आनी है जो कि विजिबल चेंजेस नहीं होती। सेलुलर चेंजेस मतलब जो प्लूम्यूल बनाया था, याद है सीड के स्ट्रक्चर में, सीड स्ट्रक्चर में हमने बनाया था ना, देयर वॉज अ सीड स्ट्रक्चर एम्ब्रियोनल एक्सिस पे, यहाँ पे प्लूम्यूल था, है ना। तो प्लूम्यूल क्या है, इसने डिविजन देना है, ऐसे रेडिकल ने डिविजन देना है। ये सारी जो डिविजन्स हैं, दे आर एक्चुअली नॉट विजिबल टू द आउटर साइड, तब तक के लिए हम इसको कहते हैं कि ये रेस्टिंग फेज पे, ठीक है, रेस्टिंग स्टेज पे, तब तक हमें कोई चेंजेस नहीं नजर आ रहे। अब जब चेंजेस हुई, पहले तो इसको टाइम लगाएगा, डोरमेंट पीरियड पे टाइम लगाएगा, फिर उसके बाद ही अपना प्लांट ग्रो करेगा। पहले छोटा सा प्लूम्यूल से एक छोटा सा स्टेम निकलेगा, थोड़ी सी रूट्स निकलेंगी, फिर डेवलप होते होते टाइम लगाएगा। अब हमने क्या किया, हमने डायरेक्टली इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से प्लांट का वो सारा समा बचा लिया, है ना। याद है आपने लेयरिंग किया था आर्टिफिशियल में, है ना। तो ये हमारे पास दो तरह की होती हैं जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है ना, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इट, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इट इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ठीक है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब क्या है, अपने आप विदाउट एनी ह्यूमन एफर्ट्स। आर्टिफिशियल मींस विद ह्यूमन एफर्ट्स, ह्यूमन एफर्ट लगाना पड़ेगा, यहाँ नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेचुरल में कोई भी प्लांट पार्ट लो और नेचुरली नवा प्लांट हमारे पास अवेलेबल होगा। कैसे, अब सपोज हमारे पास यही वाला मैं पीरियड कैसे कट शॉर्ट हो रहा है, कैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन न्यू प्लांट जल्दी बनाती है रादर देन सोइंग द सीड, वो लेट बनाते हैं ना। नॉर्मल प्लांट का ग्रोथ जो नॉर्मली होता रहा, नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड है, मतलब जो वो ज्यादा समय लगाता है, ठीक है। अब ये कैसे होगा, नेचुरल में आई टेक फर्स्ट एग्जांपल दैट ऑफ स्टेम इन द ओपनशिया। ओपनशिया क्या है, कैक्टस, ठीक है। ओपनशिया इज अ प्लांट दैट इज कैक्टस प्लांट। अब कैक्टस आपने सबने देखा है, इस तरह से होती है ना कैक्टस, उसके ऊपर ऐसे कुछ वो लगे होते हैं, हाँ ये इसके लीव्स होते हैं, बाकी ये सारा इस तरह से होता है ना। अब यहाँ पे ये स्टेम है, ये सारा ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है ये स्टेम, अगर ये टूट गया जहां पे भी गिरा, वाटर सॉरी ये जो एयर करंट है उसके साथ जहां पे भी जाके गिरेगा, वहां पे जाके ये पूरा नया प्लांट ग्रो कर दे, हाँ सॉइल पे ही, एयर करंट की वजह से जितनी दूर जाके गिरा और थोड़े समय के लिए वहां टिका, वहां पे जाके इसने क्या है नया प्लांट पूरा ग्रो कर दे, है ना। अब इसको बोला डोरमेंट पीरियड तो नहीं अंडरगो करना पड़ा, सिर्फ जाके वहां रखा और पहले से इसके पास तो स्टेम थी, पहले से इसके ऊपर ये लीव्स भी लगी हुई थी, इसने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया, है ना। तो टाइम पीरियड शॉर्ट हो गया, ठीक है। आपको इसके बेनिफिट पॉइंट्स से जस्टिफिकेशन पूछी जा सकती है, डिसएडवांटेजेस से जस्टिफिकेशन पूछी जा सकती है। जो पेरेंट के अंदर डिजीज होगा वो कंटिन्यू होगा नेक्स्ट जनरेशन में, क्योंकि हमने तो वही वाला रूट ले लिया जो पहले से डिजीज था, ठीक है, हमने तो वही वाली स्टेम ले ली जो पहले से डिजीज थी, तो ऑब्वियसली अगली पूरी क्रॉप हमारी डिजीज होगी, वो इसका ड्रॉबैक भी तो है, ठीक है। तो कोई भी इसका पॉजिटिव पॉइंट, कोई भी इसका नेगेटिव पॉइंट, ये सारे पहले तो आपको अलग से क्वेश्चन में एटलीस्ट थ्री थ्री पॉइंट्स ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पता होना चाहिए, ठीक है। एंड अलोंग विद इट एवरी पॉइंट्स जस्टिफिकेशंस आल्सो, मतलब हर पॉइंट का आपने साथ में जस्टिफिकेशन जरूर बताना है कि ये किस तरह से है। मतलब अगर अगर ये बेनिफिट मैंने बताया कि ये टाइम पीरियड शॉर्टन करता है, कैसे कर पाता है, आपको जस्टिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर नेचुरल वॉज स्टेम एंड द प्लांट वॉज ओपनशिया। फॉर द रूट्स, what is the natural method of growing in which plant it grows, any idea? Naturally growing roots se kaun sa plant hai vegetatively? Sweet potato, shakkarkandi, it is the sweet potato, nahi sweet potato, carrot se roots nikalti hai, carrot is one root, main root, aur usme se sirf roots 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 nikalti hai, theek hai। Stem ki examples mein aap wo le sakte ho, पोटैटो, है ना, पोटैटो की आई में से अपने आप बड़ निकल आता है, जिंजर से बड़ निकल के आते हैं, है ना। ऐसे ही मतलब और भी कोई प्लांट्स जिसमें आपने देखा है जिसकी स्टेम पार्ट हो, जो पता होगी ये स्टेम है और यहाँ से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, अपने आप ही बडिंग हो जाती है, अपने आप ही नवा प्लांट जो है वो उग जाता है, है ना। तो वो तो एक हमारे पास एग्जाम्पल है स्टेम का, एग्जाम्पल इज अ पंछिया, रूट का नेचुरल में एग्जाम्पल इज स्वीट पोटैटो, एंड लीव्स में देयर इज अनदर एग्जाम्पल फ्रॉम वेयर naturally growing vegetative propagation leaves के साथ होता है, and that is in the case of bryophyllum, that is पत्थर चट का plant,
पत्थरचट, इसको पत्थरचट बोलते हैं हिंदी में, इट इज पत्थरचट का प्लांट, ठीक है। ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम सबके घरों में नॉर्मली लगा होता है, डार्क ग्रीन सा ऐसा रिंकल्ड रिंकल्ड से इसके लीव्स होते हैं, थिक होते हैं, थोड़े मोटे मोटे होते हैं, ऐसा रिंकल्ड मार्जिन होता है, और अगर हम देखेंगे तो ऐसे मार्जिन के ऊपर इस तरह से बर्ड्स भी लगे होते हैं, देखो कभी उसको ध्यान से तो मार्जिन पे बर्ड लगा होता है, ठीक है। ये वाला बर्ड जहां पे भी गिरेगा उसी अर्दन पॉट के अंदर या किसी और जगह पे जाके गिरेगा आजू बाजू में, तो वहां पे नवा प्लांट अपने आप ही ग्रो करते, गेटिंग, ठीक है। सो दिस इज विदाउट इन्वॉल्विंग द ह्यूमन एफर्ट्स, दैट इज द नेचुरल नेचर। बाय इन्वॉल्विंग द एफर्ट्स दे आर द आर्टिफिशियल मेथड्स। आर्टिफिशियल में हमने पहला पढ़ा कटिंग, कटिंग में क्या था, स्टेम को कट करो, है ना, हाँ स्टेम को कट करो, रोज और शुगर केन एग्जाम्पल है हमारे पास। रोज के केस में क्या होता है, कलम तोड़ लेते हैं ना, और शुगर केन में हार्वेस्टर्स जो होते हैं यानी कि जो फार्मर्स हैं, हार्वेस्टिंग टाइम पे दो तीन नोड्स लग ही रहने देते हैं, बाकी का सारा क्रॉप काट देते हैं, हार्वेस्ट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि ये अपने आप से फिर से ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। दैट इज इन कटिंग मेथड। सेकेंड इज लेयरिंग मेथड। लेयरिंग में क्या होता है, जब हम इसकी स्टेम को ट्रीट करते हैं, पहले रिंगिंग करते हैं जो ग्राउंड के पास, लोअर प्लांट्स के लिए, लोअर नहीं शॉर्टर प्लांट्स के लिए, ठीक है, ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल के पास अगर इतनी सी हाइट है, अगर ये ग्राउंड लेवल है, ये इतनी सी हाइट है, लोअर ब्रांचेस को पकड़ो, ट्रीट करो, रिंगिंग करो, और उसको बेंड कर दो सॉइल के अंदर, है ना, तो दैट इज लेयरिंग। अगर बड़े बड़े टॉल प्लांट्स है, ब्रांच को, ब्रांच जैसे ये प्लांट है ना, ये ग्राउंड है, ये हमारे पास प्लांट है, ठीक है, ये पूरा हाइट है उसका, यहाँ से ब्रांच, ठीक है, हमने क्या करना है, इस ब्रांच का आउटर टिश्यू रिमूव कर देना है और सिर्फ अंदर वैस्कुलर टिश्यू इंटैक्ट छोड़ना है, वैस्कुलर टिश्यू रखा रखा है उसको नहीं काटना, बाकी आउटर सारा का सारा टिश्यू हमने रिंगिंग में काट देना सर्कल में। जैसे कैरेट देखिए, है ना, कैरेट को जब आप स्लाइस करते हो बीच में व्हाइट सर्कल होता है और अराउंड इट सारा रेड होता है, कैरेट देखिए ना, है ना, अगर आप उसका कट सेक्शन करोगे तो इट इज व्हाइट इन बिटवीन एंड इट इज रेड अराउंड, है ना। तो हमने क्या किया, हमने स्टेम को इस तरह से काटा कि हमने एक रिंग उतारा है, सिर्फ रेड रेड वाले जोन को उतार दिया, व्हाइट वाला इंटैक्ट है पूरी लेंथ, समझे, जो वैस्कुलर है, जिसने प्लांट में पानी और फूड कंडक्ट करवाना है वो पड़ा रहेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम, उसको नहीं डैमेज करना। पर ये कैरेट में आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, कैरेट इटसेल्फ इज अ रूट, ठीक है, कैरेट इटसेल्फ इज अ रूट। हम स्टेम की ट्रीटमेंट करते हैं लेयरिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, इसकी रिंगिंग कर दी, और ये ब्रांच क्योंकि ये छोटे प्लांट्स होते हैं शॉर्ट हाइटेड, तो इसकी ब्रांच को हम पकड़ के ऐसे बेंड भी कर सकते हैं, टूटेगी नहीं, बुढ़ी नहीं होते ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको बेंड कर दिया, ये वाली ब्रांच का जो रिंग्ड पोर्शन था वो यहाँ कहीं आ गया, ठीक है, इससे यहाँ पे आ गया, बीच में कहीं आ गया, सॉइल में कहीं पे भी आ गया, तो यहाँ पे, है ना। अब सॉइल से न्यूट्रिएंट सीधे इसको मिलेंगे, पहले क्या था, पहले रूट लेगा, रूट हेयर लेगा, फिर रूट लेगा, फिर रूट से यहाँ जाएगा, फिर जाके इसको मिलेगा, टाइम यहाँ पे भी सेव होता दिख रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्लच करने के लिए हमने क्लिप्स लगा दिए, प्लस इसके ऊपर हमने माउंड लगा दिया, यानी कि हमने एक्स्ट्रा सॉइल का ढेर लगा दिया। एडेड टू इट इज अ स्पेशल हार्मोन, विच हार्मोन, रूटिंग हार्मोन, जो इसके रूटिंग प्रोसेस को फास्टन अप कर देगा, ठीक है, तेज कर देगा, यहाँ से रूट्स बननी शुरू हो जाएंगी, जिस पोर्शन से डायरेक्ट इंटेक हो रहा है, रूटिंग हार्मोन डाला हमने एक्स्ट्रा, तो रूट्स बननी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कुछ भी होता है, जैसे हमारे में भी टॉनिक्स होते हैं ना, हमारे अंदर अगर हीमोग्लोबिन कम है तो हमें हीमोग्लोबिन का टॉनिक दिया जाता है, तो हमारे अंदर हीमोग्लोबिन तेजी से बननी शुरू हो जाती है, ऐसे ही हमने प्लांट को रूटिंग हार्मोन दे दिया तो वो रूट्स तेजी से बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे जब रूट्स बन गई तो दिस इटसेल्फ इज अ कंप्लीट प्लांट, रूट है, स्टेम है, और ऊपर इसमें क्राउन ऑफ लीव्स भी होगा जो साथ में जुड़ा हुआ है, तो इट इटसेल्फ इज अ कंप्लीट प्लांट। यहाँ से कट करो, ये प्लांट को निकालो और अलग जगह पे जाके सो कर दो, वहां देखना है, हाँ जी, हाँ नहीं, खुद नहीं छोड़ेगा, आपको करना है, दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट एज एन आर्टिफिशियल मेथड, क्योंकि इसमें पूरी तरह से ह्यूमन एफर्ट रिक्वायर्ड है, ह्यूमन एफर्ट रिक्वायर्ड है, जो हमारे नेचुरल है सिर्फ वहां पे ह्यूमन एफर्ट नहीं रिक्वायर्ड होता, बाकी आर्टिफिशियल का हर एक मेथड में ह्यूमन एफर्ट इज रिक्वायर्ड, ठीक है जी। नन, ये हो गया लेयरिंग। लेयरिंग दो तरह से होता है, टॉल प्लांट्स के लिए भी है, टॉल प्लांट्स जो बूढ़ी होते हैं, ट्रीज
उनके वहीं पे रिंगिंग करो, वहीं पे पॉलीबैग्स लगा के उसके अंदर ये सारा ग्राफ्टिंग क्ले जो है वो डालो, है ना, जो चीजें यहाँ डाली हमने, सॉइल है, हे फाइबर्स है, रूटिंग हार्मोन है, तो सब चीजें हमने उसके अंदर डाल दी वहीं पे हवा में, तो वहां पे भी ऐसे ही होगा, रूट्स बनेंगी, नया प्लांट ट्रीट कर दोगे, तो दैट इज कॉल्ड एज लेयरिंग। ठीक है, थर्ड मेथड हमने आर्टिफिशियल में किया था, द थर्ड मेथड वॉज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इज अ मेथड व्हेन वी आर टू चेंज द नेचर, दैट इज हमें इंफीरियर से सुपीरियर क्वालिटी के अभी क्रॉप्स चाहिए, पहले इंफीरियर थी अब सुपीरियर चाहिए, हम क्या करेंगे, हमने सुपीरियर का बड ले लेना है और इंफीरियर का रूट। ठीक है, तो इंफीरियर का जो रूट स्टेम पार्ट है, यानी कि ये ग्राउंड है, तो सिर्फ स्टेम पार्ट लेना है, बाकी सारा काट दो। ठीक है, सिर्फ स्टेम पोर्शन लेना है क्योंकि वो हमें रूट्स दे रहा है, हमें रूट्स ग्रो करने में टाइम नहीं वेस्ट करना है ना, वही तो ये कहता है मेथड वेस्टेड प्रोपेगेशन की, ये टाइम सेविंग मेथड्स होते हैं, क्विक मेथड्स होते हैं एज इन कंपैरिजन टू द नेचुरल ग्रोथ, है ना, नेचुरल ग्रोथ ऑफ अ प्लांट के कंपैरिजन में। अब ये ऑलरेडी इसके स्टेम लगे हुए हैं, रूट लगे हुए हैं, बड काट दिए हमने, जितनी भी इसके ऊपर फ्लावरिंग थी वो सारे काट, ठीक है, नहीं उसके बाद क्या हुआ, दिस इज देन ऑल्सो ग्राफ्टेड विद, ग्राफ्टेड वर्ड यूज करेंगे ग्राफ्टिंग के लिए, ग्राफ्टेड विद द अनदर स्टेम पार्ट हैविंग बड, बड किसका, सुपीरियर क्वालिटी का। ठीक है, तो वो हमने इसके ऊपर प्लेस कर देना है, जैसे ये कट किया था ऐसे ही हमने उसको कट करके लेके आया, इसके ऊपर रख दिया, एक के ऊपर एक ऐसा। ठीक है, अब जॉइंट ऐसा कुछ प्रोमिनेंट बीच में से जो टनल टाइप जाइलम फ्लोएम एकदम से जुड़ नहीं जाएंगे ना, अपने कोई फेविकॉल वगैरह लगा के जोड़ना है उसको, वो तो सेल्स ही सील कर देगा। ठीक है, हमने क्या किया, सिर्फ हमने इसके ऊपर एक प्लेस किया, ठीक है, और इसको इस जॉइंट को अच्छे से मसलन क्लॉथ के साथ रैप कर दिया जाता है टाइटली विद दिस, व्हाट्स एवर द वाटर इज स्प्रिंकल्ड ओवर इट, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये लेता जाएगा, है ना, ऐसे में दोनों तरफ से सेल्स को न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से दे बोथ विल बी शोइंग सर्टन सेलुलर ग्रोथ एंड हेंस दे विल मेक अ कंटैक्ट, एक कंटैक्ट बन जाएगा, नो डाउट वो पूरा फुल फ्लेज कंटैक्ट नहीं होता, एक लाइन नजर आती रहती है उसमें, ठीक है, वो इरेगुलर सी वेवी सी लाइन बन जाती है परमानेंटली, लेकिन इंटरनल कंटैक्ट हो जाएगा जाइलम फ्लोएम में। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब कंटैक्ट हो गया तुम्हारे पास न्यू क्रॉप कौन सी बनेगी, ये वाली जिसके पास बड था, वो तो बेटा करेक्टर से पता चलेगा, मैंगोज में एक मैंने बताया था सीजन एंड में मैंगोज आते हैं, वाइल्ड वैरायटी होती है, तो दे आर सुपीरियर दे आर इंफीरियर, है ना, वाइल्ड मैंगोज किसको पसंद है, किसी को भी नहीं, क्योंकि उसके जो करेक्टरिस्टिक्स है वो ही नहीं अच्छे, तो दे आर इंफीरियर वैरायटीज, एंड वंस विद द मैंगो शेक वाले वो बड़े बड़े साइज मैंगोज आते हैं, सफेदा मैंगो, दशहरी मैंगो, दे आर वेरी गुड क्वालिटीज, है ना, तो वो क्या है, दे आर द सुपीरियर क्वालिटीज, सुपीरियर वैरायटीज, है ना, तो हम चाहते हैं हमारी क्रॉप जो है वाइल्ड की ना हो लेकिन सुपीरियर की हो, हम क्या करेंगे, वाइल्ड में सारे ट्रीज काट दिए, उसके बाद नवे सिरे से मैंने क्या किया, सबके ऊपर मैंने ग्राफ्टिंग कर दी, ठीक है, ब्रिंगिंग द बड ऑफ अ सुपीरियर वैरायटी। अब यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यू कैन बी गिवन अ स्टोरी सिंपल, ठीक है, आपको बोलेंगे कि जिसका भी किसी का वो बड बोलते हैं, ठीक है, इन केस दे आर सेइंग कि इंफीरियर का बड लगाया उन्होंने, इंफीरियर का बड चलाया, नीचे उन्होंने सुपीरियर का रूट रखा था, तो कौन सी वैरायटी मिलेगी हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ द वैरायटी वी विल बी ऑब्टेनिंग, इट विल बी ऑब्वियसली इंफीरियर, क्यों, क्योंकि हमारे पास जिस चीज का बड है ये देखना है आपने, बड किस चीज का दिया, वो इंफीरियर बोले आपको इंफीरियर मिलेगी, हाँ सुपीरियर बोले आपको सुपीरियर मिलेगी, ठीक है, आपने बड देखना है, क्योंकि यहाँ पे इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, नीचे जो ये पार्ट है रूटेड पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक, इसका पार्ट काम क्या है, ओनली टू वाटर द प्लांट, सप्लाई विद वाटर, दैट्स इट, है ना, उसका टाइम सेव किया था हमने, सो दिस पोर्शन हैविंग द रूट इज कॉल्ड एज अ स्टॉक एंड दिस पोर्शन हैविंग द बड इज कॉल्ड एज अ सियोन, ठीक है, स्टॉक एंड सियोन रिलेशन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, राइट अ नोट ऑन स्टॉक एंड सियोन रिलेशन, अगर हमें यही नहीं पता होगा स्टॉक क्या है, सियोन क्या है, ग्राफ्टिंग क्या है, कैसे करते हैं, सुपीरियर क्या है, इंफीरियर क्या है, हम नहीं लिख पाएंगे, है ना, डन, एंड द लास्टली वी हैव डन माइक्रो प्रोपेगेशन, फोर्थ टेक्निक ऑफ आर्टिफिशियल, माइक्रो प्रोपेगेशन में क्या था, छोटे से छोटे पॉसिबल पार्ट से थाउजेंड ऑफ कॉपीज हम बना सकते हैं नवे प्लांट्स की, प्रोवाइडेड हमें एक कंडीशन को ध्यान में रखना है सिर्फ,
and that is aseptic condition. We are to keep this aseptic condition only. What is aseptic condition? It is 100% microbe free condition. बिल्कुल भी microbial attack ना है, ठीक है? इसमें दो units बहुत important use होती हैं पूरी technique में. एक है laminar airflow. Laminar airflow क्या होता है? जिसके सामने मतलब laminar airflow, जहां से ये air का flow होता है ना, वो ऐसा एक sheet होता है, ठीक है? And this is all fitted by the HEPA filters, high efficiency particulate air filters, ठीक है? HEPA, HEPA filters. तो ये इतने ज्यादा हाईली एफिशिएंट होते हैं कि 0.001% भी कंटैक्ट माइक्रोब का नहीं आने देते. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज हाईली एफिशिएंट, है ना, हाई एफिशिएंट पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स. तो दैट इज द लेमिनार एयर फिल्टर. इसके सामने यहाँ पे पूरा ऐसा टेबल बना होगा और उसके ऊपर रख के हमें जो भी है काम करना, क्योंकि जितना भी माइक्रोबियल अटैक है वो सबका सब ये ले लिए, ठीक है? थोड़े ही नहीं देना माइक्रोबियल अटैक. दूसरा, जैसे डॉक्टर्स कोई भी अपने इंस्ट्रूमेंट वगैरह कोई भी यूज करते हैं, डिवाइसेस, स्केपुला हो गया, सीजर हो गया, जो भी चीजें है ना, तो जो जो चीजें उन्होंने डिवाइसेस यूज करनी है वो पहले स्टरलाइज करते हैं वाटर में बॉईल करके, है ना. तो यहाँ पे भी ऐसा ही एक बॉइलिंग सिस्टम है हमारे पास, जिसका नाम है, ये अलग से एक यूनिट है जिसका नाम है ऑटोक्लेव. ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव क्या है? ये एक ऐसा सिलेंड्रिकल सा एक चैम्बर सा होता है, ठीक है? इट इज अ बेसिकली अ डिवाइस टाइप, यू कैन से कंटेनर, इट्स अ कंटेनर, ठीक है? इट इज अ सिलेंड्रिकल कंटेनर. इट हैज ऑल द कंट्रोल ऑफ द टेम्परेचर, पीएच, ये सारी चीजों का उसके ऊपर कंट्रोल बटन्स बने होते हैं, ठीक है? हमने क्या करना, उसका लिड खोला और बीच में हमने उसके सारे जो भी आप लोगों ने टेस्ट ट्यूब यूज करना है, कॉटन प्लग यूज करना है, कॉनिकल फ्लास्क यूज करना है, जो जो चीजें आपने यूज करनी है, पेट्री प्लेट हो गया वो यूज करना है, वो सब कुछ उसके अंदर रख देना, कांच के बर्तन सब चीजें, ठीक है? हर एक छोटी बड़ी चीज उसके अंदर रख देनी है. पानी उसके अंदर होता है, लिड बंद किया, टेम्परेचर सेट किया, उससे ये क्या है, सारा का सारा कुछ स्टेरलाइज हो जाएगा. स्टेरलाइजेशन मीन्स इट इज मेड 100% माइक्रो फ्री, ठीक है? दिस इज गिवन इन अ स्मॉल बॉक्स, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाले जो बॉक्सेस होते हैं आपकी एनसीईआरटी में, उसमें गिवन है, प्लांट टिश्यू कल्चर के नाम से, ठीक है? माइक्रो प्रोपेगेशन नहीं लिखा उसमें, प्लांट टिश्यू कल्चर लिखा है आपकी एनसीईआरटी में. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ठीक है? तो ये करना है आपने, ये छोड़ना नहीं है टॉपिक, राइट? उसके अंदर आपको ये दो वर्ड ही मिलेंगे, एसेप्टिक कंडीशन, ऑटोक्लेव, ठीक है? ज्यादा चीजें नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने सारी टेक्निक आप लोग को पहले करवा दी हुई है, हाउ इट इज मेड, सो दैट यू कैन राइट अप मोर कंटेंट ऑन दिस आंसर ऑल्सो, ठीक है? डन. सो दिस वॉज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. जसलीन, योर डाउट, एज यू सेड दैट दिस इज, हाँ जी जसलीन, आपने क्वेश्चन डाला था कि सेलुलर डिवीजन जो है उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं. एक्चुअली जो सेल डिवीजन होती है ना बेटा, लिसन लिसन लिसन, डोंट टॉक, लिसन हियर फर्स्ट ऑफ ऑल. जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है? ये सेल डिवीजन ऑफ टॉपिक है लेकिन आपके क्वेश्चन से कंसर्न है इसलिए सुन लो. दिस इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है? इनडायरेक्ट होती है जिसके अंदर बहुत सारे सब स्टेप्स होते हैं, ठीक है? इंक्लूडिंग इन्वॉल्विंग द सेवरल ऑफ द सब स्टेप्स. डन. बहुत सारे सब स्टेप्स होते हैं इसके अंदर. इनडायरेक्ट ये दो तरह की है, माइटोसिस मियोसिस, आपने नाइन्थ में पढ़ा हुआ है, माइटोसिस एंड मियोसिस, ये दो तरह की है. डायरेक्ट वाली जो है उसमें क्या होता है, बिना किसी सब स्टेप के, मतलब बिना कोई फेज अंडरगो किए, पर्टिकुलर प्रोमिनेंट स्टेप्स अंडरगो किए, डायरेक्टली न्यूक्लियस दो में टूट जाता है एंड इट मेक्स अ न्यू सेल, एज इट इज इक्विवेलेंट टू द बाइनरी फिशन इन अमीबा, ठीक है? तो यहाँ पे नो सब स्टेप्स आर देयर, कोई स्टेप्स वगैरह नहीं है इसके अंदर, डायरेक्ट ही होता है. डायरेक्टली पहले कैरियोकाइनेसिस होगा फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, यानी पहले न्यूक्लियस डिविजन होगा फॉलोड बाय डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म. तो यही हमने पढ़ा था ना जसलीन, यही पढ़ा था हमने इन द अमीबा ऑल्सो, बाइनरी फिशन इन अमीबा, है ना? तो दैट इज, वी कैन कंसिडर द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. द सेल डिविजन कैन बी कंसिडर एज अ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बट इन द लोअर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? जसलीन, योर डाउट इज क्लियर.
हाँ जी जसलीन यस मैम राइट मैम थैंक यू ओके ओके हाँ जी एनी अदर डाउट्स एंड क्वेश्चंस हाँ तो जायगोट क्यों डोरमेंट स्टेज पे चला जाता है एनसीईआरटी में है कि नहीं है लेकिन आपके कंसेप्ट वाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे पूछता है कि व्हाट हैपेंस टू द जायगोट मैंने तो सीधा ही लिखा दिया ना इट अंडरगोस द डोरमेंट फेज है ना तो वो पूछेंगे जैसे ही जायगोट बनता है व्हाट हैपेंस नेक्स्ट और बच्चे यूजली आंसर देते हैं जायगोट फॉर्म्स है एम्ब्रियो नो डाउट जायगोट ने एम्ब्रियो ही बनाना है आगे लेकिन उससे पहले आता है बीच में एक डोरमेंट स्टेज ठीक है जैसे मैंने बोला कि जायगोट है जायगोट से एम्ब्रियो ही बनना है फाइनल स्टेज तो यही है लेकिन जायगोट के बनते ही सबसे पहले ये अरेस्ट हो जाता है एक रेस्टिंग स्टेज के अंदर ठीक है दिस इज इट्स रेस्टिंग पीरियड ये रेस्टिंग स्टेज है रेस्टिंग फेज है उसके बाद ये डिविजन क्लीवेजेस अंडरगो करेगा सेवरल क्लीवेजेस मल्टीपल क्लीवेजेस जिससे ये एम्ब्रियो बनाएगा ठीक है अब ऐसा क्यों करता है ये जायगोट इस रेस्टिंग फेज के अंदर क्यों चला गया क्यों इसके अंदर अरेस्ट हो गया क्यों इसके अंदर ये चला गया इट इज बिकॉज जब एम्ब्रियो सैक में आप लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया था ओव्यूल का है ना सबसे इंटरमीडिएट बनाते हैं एम्ब्रियो सैक है ना एम्ब्रियो सैक में देयर इज अ एक्सेल एम्ब्रियो सैक की बात कर रही हूँ ओव्यूल की बात कर रही हूँ सो दिस इज एन एक्सेल दिस इज द टू सिनर्जिड्स राइट एंड ऑपोजिट साइज इक्वल साइज तीन सेल जिसका नाम है एंटीपोडल्स ये ऐसे ही है राइट सेंटर में देयर इज वन सेल विथ टू ऑफ द न्यूक्लियर डन ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है अब जायगोट बनेगा कब जब फर्टिलाइजेशन हैपन हो जाएगी यानी अगर कोई पॉलन ट्यूब आई है वो मेल गैमेट्स लेके आई है ना ये पॉलन ट्यूब ने एक मेल गैमेट डाल दिया इधर एक्सेल के पास दूसरा मेल गैमेट चला गया सेंट्रल सेल के पास है ना जैसे ही ये दोनों न्यूक्लियाई अपनी अपनी जगह पे पहुंच गए क्या हुआ यहाँ पे तीन न्यूक्लियस हो गए यहाँ पे दो है ना दिस स्टार्ट्स डीजनरेटिंग ये वाले सेल्स जो हैं ये डीजनरेट करने शुरू कर देते हैं पूरे पूरे इधर से ये भी डीजनरेट करना शुरू कर देते हैं एंड बाय द टाइम जब तक ये डीजनरेशन चल रही है सेम टाइम पे ये न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहे हैं ये न्यूक्लियस एक हो जाएंगे ये फ्यूज कर जाएंगे है ना अब मेल सेल मेल न्यूक्लियस की और फीमेल न्यूक्लियस की आइडेंटिटी खत्म अब क्या है ये दिस इज अ जायगोट ठीक है अब यहाँ पे क्या बचा अब हमारे पास बचा है पोलन ट्यूब भी डीजनरेट हो जाना है जैसे इसने मेल गैमेट्स दे दिए ना अंदर तो उसके बाद पोलन ट्यूब डीजनरेट हो जाता है ठीक है वहां से आगे वो पोलन ट्यूब का कोई सिग्निफिकेंस नहीं अब ये दो चीजें बची हैं पूरे एम्ब्रियो सैक है ना दिस इज व्हाट दिस इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस तीन एंड को फ्यूज करके बना था एन प्लस एन हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड इसलिए इट फॉर्म्स अ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज अ पेन न्यूक्लियस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ठीक है और यहाँ पे क्या है दिस इज अ जायगोट जायगोट अब ये आ गई ना स्टेज जो मैंने लिखी जायगोट अब ये जायगोट रेस्टिंग फेज पे चला जाएगा क्यों क्योंकि ये जब तक ये रेस्टिंग फेज पे नहीं जाएगा इसको नरिशमेंट देने वाला स्ट्रक्चर तैयार नहीं होगा ये डेवलप नहीं कर सकता ठीक है जैसे हम हैं अगर एक दिन फास्टिंग करते हैं दो दिन फास्टिंग करते हैं हम खुद में भी वीक हो जाते हैं हमें जब तक न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा एनर्जी नहीं मिलेगी हम अगले काम नहीं कर पाएंगे है ना अगर कोई बीमार बंदा होता है उसकी डाइट का कितना ध्यान रखा जाता है क्योंकि उसको हील अप करना होता है नवे सेल्स बनाने हैं बॉडी के अंदर है ना तो यही यहाँ पे हो रहा है नवे सेल्स बनाने के लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए एक सेल को न्यूट्रिशन नहीं दे सकता इतना ज्यादा बड़ा सेल थोड़ा ना ये तो ये मल्टीपल सेल्स बनाएगी सो दिस डज नॉट शो एनी एक्टिविटीज जायगोट ने कोई एक्टिविटी नहीं शो करना अंटिल एंड अनलेस दिस इज गोइंग टू बी अंटिल एंड अनलेस दिस इज गोइंग टू हैव द नंबर ऑफ सेल्स अराउंड इट फॉर इट्स नरिशमेंट अब क्या हुआ जायगोट ने कुछ नहीं किया ये रुक गया टेस्टिंग फेज पे चला गया और पेन क्या कर रहा है पेन हर बार न्यूक्लियस की डिविजन कर रहा है ये एक बार ही हो गया एक न्यूक्लियस से दो बन गए है ना अब ये पेन का सिग्निफिकेंस भी खत्म हो गया क्योंकि वो तो फर्स्ट फॉर्म्ड था प्राइमरी था अब जब प्राइमरी से दो बन गए खत्म वो भी उसका स्ट्रक्चर खत्म दो से चार बन जाएंगे चार से आठ बन जाएंगे आठ से
16 बन जाएंगे, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्मिंग न्यू न्यू न्यूक्लियर। ठीक है, ये अलग अलग तरह से एंडोस्पर्म बनते हैं, तीन तरह के एंडोस्पर्म बनने की तैयारी होती है। पहले एक न्यूक्लियस था, सिंगल एक सेल था, अब वो डिविजन करके मल्टीपल सेल्स बनाए, ये मल्टीपल न्यूक्लियर आ गए। अब यहाँ पे सबके अराउंड साइटोप्लाज्म जो है वो कंडेंस हो जाएगा, जैसे आप लोगों ने बडिंग में किया था याद है, उसमें ऐसे हम लोगों ने कंडेंसेशन दिखाया था ना साइटोप्लाज्म का, और बाद में ये बॉल्स बना देगा। अब एक जायगोट के पास कितना सारा सेलुलर मास हो गया है ना, आप एक कोकोनट वाटर लेते हो, कोकोनट वाटर कितना सारा होता है, कोकोनट के अंदर कितना सारा वाटर होता है, उसके अंदर कितने सारे सेल्स होंगे, वो वाटरी मटेरियल भी तो सेलुलर मास है, दैट इज अ लिक्विड एंडोस्पर्म। ठीक है, जो कोकोनट वाटर आप पीते हो ना, दैट इज द एंडोस्पर्म इटसेल्फ एंड इट इज लिक्विड एंडोस्पर्म इन द केस ऑफ द कोकोनट्स। ठीक है, अब उसको सोचो कितना सेलुलर मास है उसके अंदर, मिलियंस ऑफ द सेल्स होंगे उस इतने से पानी के अंदर, है ना। तो वो जब तक मिलियंस ऑफ सेल्स नहीं आते तब तक जायगोट तैयार नहीं होगा, और वहां पे रादर जायगोट कंज्यूम भी कर चुका है एंडोस्पर्म को, क्योंकि उसने एम्ब्रियो भी बना दिया हुआ है आगे, ताकि वो अगला सीड की तरह एक्ट करना भी शुरू करे, है ना, समझ गए। तो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो की लेटर स्टेज है सीड का बनना, एम्ब्रियो जो है इट्स अ पार्ट ऑफ अ सीड, है ना। सीड इटसेल्फ कंटेन्स टू मेजर पार्ट्स, वन इज एम्ब्रियो एंड अदर इज कॉटिलेडन, कॉटिलेडन एक हो या दो हो लेकिन सीड के दो मेजर पार्ट्स हैं ये, एम्ब्रियो एंड कॉटिलेडन। एम्ब्रियो के दो मेजर पार्ट्स क्या हैं, एम्ब्रियो के दो मेजर पार्ट्स क्या हैं, एनीवन ऑनलाइन, लिम्यूल और रेडिकल। लिम्यूल इज अ फ्यूचर शूट एंड रेडिकल इज अ फ्यूचर रूट, तो एम्ब्रियो की सिग्निफिकेंसी खत्म हो जाए अगर लिम्यूल रेडिकल ना हो उसके अंदर, वो उनकी कवरिंग्स है, वो उसकी प्रोटेक्शन है, कॉलियोपेटाइल एंड कॉलियोराइजा, दैट इज टू प्रोटेक्ट दीज मेजर पार्ट्स। क्योंकि एक प्लांट क्या है, शूट है रूट है, अगर शूट और रूट ही ना होगा तो प्लांट खत्म है, तो वो शूट और रूट बनना कहां से, लिम्यूल से रेडिकल से। लिम्यूल इज अ फ्यूचर शूट एंड रेडिकल इज अ फ्यूचर रूट, तो अगर शूट और रूट ही ना बना तो प्लांट ही नहीं है, है ना। तो उसको बनाने के लिए एम्ब्रियो के अंदर ये दो मेजर पार्ट होते हैं, कौन सा, सीएलई, हाँ जी ठीक है, क्लियर, एनी अदर डाउट एनीवन, हाँ जी। सो बेटा यू गो थ्रू द क्वेश्चंस स्टिल, हाँ जी बिल्कुल आने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैरियर मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मैंने आपको बताया था इस पूरे चैप्टर में, बेटा आप लोगों ने जो पोर्शन वाइज तैयारी करनी है पहली चीज, ठीक है। फर्स्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें आपने पांच किए, वहां से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में पक्का आना है, ठीक है। एसेक्सुअल मेथड में आप लोगों ने पांच तो उसकी टाइप्स ही करी है, स्पोर फॉर्मेशन तक, छह आपने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कर लिया पूरा, ठीक है, तो वहां से आपको क्वेश्चन पक्का आना है, ठीक है। दूसरा पोर्शन है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें से क्वेश्चन पक्का आना है, और ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे दे आर फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन, जो आपके बोर्ड्स में आते रहे, ये टॉपिक्स अच्छे से तैयार करो, बाकी भी करो, मैं कोई बता रही हूँ ना आपको, आप बाकी टॉपिक सारा तैयार करो, बट एम्फसाइज उन चीजों पर करो जो बोर्ड्स में फ्रिक्वेंटली पूछी जाती, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको ये वाले डायग्राम्स में सारा कुछ करवाया, ओव्यूल का अगेला स्ट्रक्चर करवाया, कार्पल का स्ट्रक्चर करवाया, शोइंग द डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जहां पे आपको मार्क करना है, सिनगैमी ट्रिपल फ्यूजन लिखना है समराइज फॉर्म में, सिनगैमी क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है ना। थर्ड पोर्शन ऑफ द चैप्टर इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक मैंने कंसेप्ट करवाया था आपको, जिसमें हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया था, साथ में दो क्वेश्चन किए थे, तो इन वन लेक्चर ओनली ऑन वन बोर्ड ओनली वी हैव डिस्कस द थ्री क्वेश्चन, एंड ऑन दैट टाइम ऑल्सो आई टोल्ड यू इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस पोर्शन में से क्वेश्चन पक्का आना ही आना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसर्न टू दैट एनी क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। और ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका बर्थ कंट्रोल मेथड्स, ठीक है, एक और बर्थ कंट्रोल मेथड्स कॉन्ट्रासेप्शन के साथ दिया होता है क्वेश्चन, क्या ये डिजीजेस सेक्सुअली डिजीजेस को ट्रांसमिट होने से ये बचाते हैं या नहीं बचाते हैं ऐसा, क्योंकि अगर तो बैरियर मेथड जैसा कोई कंसेप्ट लिया जाए उसमें ब्लड का कंटैक्ट नहीं आएगा, है ना, व्हेन देयर इज नो कंटैक्ट ऑफ द ब्लड फ्यूजन
then there is no chances of the sexual reproduction, sexually transmitted diseases. ठीक है, they are called as STDs. ठीक है, इनको बोलते हैं STDs, sexually transmitted diseases. मेन कंसेप्ट क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस तब आगे ट्रांसमिट करती हैं जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स है प्लस साथ में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, मतलब ब्लड कंटैक्ट आता है. ठीक है, तो उस समय पे ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जाएंगी. एग्जांपल्स क्या क्या है इनकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की, कॉमनली नोन आर एड्स, देन वर्ड्स, देन गोनोरिया, लिख लो ये गोनोरिया, साइफिलिस एटसेट्रा. तो एड्स, वार्ट्स, गोनोरिया, साइफिलिस, दीज ऑल आर व्हाट, दीज आर द एसटीडीज. डन, ओके. सो दिस इज अबाउट दिस चैप्टर बेटा. टुडे यू आर हैविंग द टेस्ट ऑफ इट, आई होप यू आर प्रिपेयर्ड. एंड इफ स्टिल आफ्टर द टेस्ट ऑल्सो यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, राइट? एनीथिंग एल्स? टाइम इज ऑल्सो गेटिंग ओवर. टू क्वेश्चंस, 5 मार्क्स. और कुछ?